अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज सुबह के 10 बजे हैं और मैंने सारे काम ख़त्म कर लिए थे, तो मैंने सोचा कि अब लंच की तैयारी भी कर दूं, क्योंकि आज है रिपब्लिक डे। तो रिपब्लिक डे के दिन सब लोग जाते हैं स्कूल, तो घर पे कोई नहीं है, तो मैं आलू और मटर को मैंने बॉईल करके रख लिया था पहले ही, और नमक डालकर मैंने बॉईल किया था। और ये मैं मसाले को भून रही हूँ, प्याज जो भी जो मसाले रहते हैं, अदरक लहसुन हरी मिर्च जो भी है, मैंने उसमें मिक्सी जार में पेस्ट बना लिया है और मैंने डाल दिया उसमें कढ़ाई में। और ये हल्दी मिर्च मैंने डाल दिया और इसको मैं भूनूंगी। तो ये धनिया पाउडर, तो मैं इसको भूनूंगी थोड़ी देर तक। भूनने के बाद थोड़ा सा मैं उसमें ऐड कर दूँगी छोले मसाले, तो छोले मसाले से थोड़ा टेस्ट अच्छा हो जाता है। तो ये इसमें मैं इसमें ऐड करूँगी, और ये डाल दिया मैंने स्वाद के अनुसार नमक। तो अच्छा लगता है क्योंकि क्योंकि आज है संडे, तो आज संडे भी है तो सभी लोग घर पे रहेंगे, तो मैंने सोचा कि थोड़ा आज इमने डाल दिया छोले मसाले 2 चम्मच, तो साथ में सब लोग बैठे खाना खाएंगे तो अच्छा लगता है। और रोज तो स्कूल सब लोग जाना ही रहता है, तो एक संडे है जो थोड़ा सबको फ्री मिलता है, छुट्टी मिलता है, तो इसीलिए मैं आज बना रही हूँ छोले। और मैंने मसाला भून लिया है, तो इसमें मैंने थोड़ा आलू भी बॉईल किया था। मैं डालती हूँ छोले में आलू, तो मैंने बॉईल करके रख लिया था मैश करके, तो इसको मैंने डाल दिया, इसमें ऐड कर दिया कढ़ाई में। और उसके बाद मैं जो छोले उबाल के रखे हैं मटर, मैं छोला बनाती हूँ मटर का, क्योंकि बच्चे इसी का पसंद करते हैं मेरे घर में, वो जो काबली चना आते हैं उसका नहीं, तो यही आता है हमारे घर। तो ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है कढ़ाई में। और इसके बाद थोड़ी सी मैं इसको चला दूँगी और पानी इसमें ऐड कर दूँगी। थोड़ा पानी ऐड करने के बाद मैं इसको पका दूँगी, तो ये रेडी हो जाएगा। तो ऐसे ही इसको मिक्स कर दूँगी मैं, तो आज का अगर ब्लॉग आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़। तो ये मैंने इसको मिला दिया है पूरी तरह से, अच्छी तरह से। और मेरा आज मैं स्पेशल लंच बना रही हूँ, ये बच्चों को फरमाइश था कि छोला बननी अम्मी छोला बना दो, तो मैंने कहा ठीक है छोला बना दे रही हूँ। तो ये छोला है और इसमें मैं पानी इसमें ऐड कर दिया, तो पानी ऐड मैंने इसमें डाल दिया पानी, और उसको मैं पका दूँगी। तो पानी थोड़ा मैंने इसमें थोड़ा डाल दिया है, और उसके बाद में बिल्कुल गाढ़ी हो जाती है। तो देखिए मेरा छोला तैयार हो गया है और बिल्कुल गाढ़ी और कितनी अच्छी लग रही है। तो ये मेरा छोला बन गया। इधर मैं अपने बरामदे में बना रही हूँ चूल्हे पर, क्योंकि ये नया नया चूल्हा बना है, तो जब नया चूल्हा आता है या गैस हो या गैस स्टोव हो या मिट्टी का चूल्हा हो या कुछ भी हो, तो पहले उस पर मीठा बनता है, तो इसलिए मैंने मीठा बना लिया थोड़ा सा। खीर मैंने बनाया है फिरनी। तो इधर मैंने जा रही हूँ मटन स्टोव बनाऊँगी, तो बस उसी के लिए मैंने ऑयल डाला है पतीले में, तो कुछ खड़े गर्म मसाले उसमें मैं ऐड कर दूँगी। तो खड़े मसाले ऐड कर दूंगी जब मेरा थोड़ा हो जाएगा, उसके बाद मैं उसमें डाल दूंगी प्याज। और प्याज का जो रहते हैं सारे इंग्रेडिएंट्स, जैसे प्याज हरी मिर्च या जो भी हो, मैं उसमें सारे मसाले, देखिए प्याज मैंने डाल दिया इसमें, और प्याज डालने के बाद मैं उसमें मटन डाल दूंगी। बकरे का गोश्त है 1 kg, मैंने रख लिया है धो करके उसको वॉश करके, तो 1 kg है बकरे का गोश्त। और इसको मैं इसके बाद मैं सारे जो मैंने कट करके रखे हैं प्याज लहसुन अदरक कद्दूकस करके मैंने रख लिया, उसी में सब कुछ
तो ये मैंने इसमें ऐड कर दूंगी और डाल दूंगी स्वाद के अनुसार नमक। और ये तो मैं बना रही पतीले में, तो थोड़ा पानी इसमें चाहिए क्योंकि गलने के लिए गोश्त, तो गलने के लिए पानी थोड़ा चाहिए, तो इसमें मैं थोड़ा पानी भी ऐड कर दूंगी। तो और डाल दूंगी स्वाद के अनुसार नमक। तो ये ऐसे बनाती हूँ मैं मटन स्टू। तो इसमें मैंने नमक डाल दिया है, ऐड कर दिया है, और इसको थोड़ा डाल दूँगी। हाँ, डाल दिया नमक, और इसमें मैं थोड़ा ऐड कर दूँगी पानी। और सोच मैं कि आज थोड़ा लकड़ी वाले चूल्हे पे मैं खाना बनाऊँगी, क्योंकि हमारे ज़्यादा सर्दी पड़ रही थी इसलिए मैं नहीं बना रही थी, और ये मेरा चूल्हा भी टूट गया था, तो इसके वजह से ये नया चूल्हा बना है। तो थोड़ा बनाऊँगी मैं, लकड़ियाँ घर में ज़्यादा हैं तो क्या होंगी, तो इस तरह से बन जाएगी तो थोड़ा लकड़ियाँ भी मेरी ख़त्म हो जाएगी। तो डाल दिया मैंने पानी इसमें, अब इसको इस तरह रख दूँगी, पकता रहेगा ये। और पकने के बाद लास्ट में इसमें ऐड कर दूँगी दही, घर की दही है, बिल्कुल मीठी दही, खट्टी नहीं है। तो ये मैंने इसमें एक प्याली में इसमें ऐड कर दूँगी, और डालकर चलाकर थोड़ा इसको मैं मिला दूँगी, थोड़ा पका दूँगी, और तो ये बिल्कुल मटन स्टू तैयार हो जाएगा। और उसके बाद धनिया के पत्ते से गार्निश कर देंगे। तो ये मैंने ऐड कर दिया दही, डाल दिया प्याली उसमें। कैसे हो आप सभी? और मैंने आज ब्लॉग सुबह ही से स्टार्ट कर दिया था, और आज है रिपब्लिक डे। तो रिपब्लिक डे मतलब झंडा रोहण करके सब लोग घर पे आ गए हैं, और अब मैं तो खाना बना ली। तो ये है मेरा आज का स्पेशल लंच, मटन मटन स्टू, खीर, छोले, पुलाव, सलाद। ए ए